नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो इश्यू हुई है 18 November 2021 को। इस नोटिफिकेशन के थ्रू रिवर्स चार्ज में बहुत बड़ा चेंज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि एक नई एंट्री सेक्शन 9(5) में इंसर्ट की गई है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके साथ डिस्कशन करूंगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से पढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। मैंने जो ये जो नोटिफिकेशन है 17/2021, इसमें जो भी चेंजेस हैं वो मैंने जो हमारी मेन नोटिफिकेशन है उसी में कंप्लाई कर दिया, और अब उसी के साथ आपको समझाऊंगी। पहले मैं आपको बता दूं सेक्शन 9(5) है क्या। इंपॉर्टेंट इन्फो देने के लिए आपको मैं ले आई हूँ studywaddy.com पे। यहाँ हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं आपके बेनिफिट के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, इनका कॉम्बो, 99C और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के कोर्स एक्टिव हैं। सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में, तब तक आप studywaddy.com को विजिट कर सकते हैं। तो सेक्शन 9(5) हमारा आरसीएम का सेक्शन है, जो ये कहता है कि हमारा जो एक सप्लायर होता है हर एक केस में और एक रिसीपेंट होता है हर एक केस में, सेक्शन 9(5) के केस में ना तो सप्लायर टैक्स देगा ना ही रिसीपेंट टैक्स देगा। जी हाँ, तो फिर टैक्स कौन देगा? एक डीम्ड सप्लायर। जी हाँ, सेक्शन 9(5) में डीम्ड सप्लायर का कंसेप्ट एक्टिव है। इसमें अभी तक तीन कैटेगरीज की सर्विसेज, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, तीन कैटेगरी की सर्विसेज नोटिफाइड थी। ठीक है, कौन सी नोटिफिकेशन के थ्रू? सेक्शन जो नोटिफिकेशन है नंबर 17/2017 के थ्रू। इसमें फर्दर एक चेंज आया था, पहले दो सर्विसेज नोटिफाई हुई थी जब जीएसटी आया था, फिर तीन कर दी गई थी। ठीक है, पहली थी हमारी हाउसकीपिंग सर्विसेज, अगर हम शॉर्ट में समझे, वेरी शॉर्ट में हाउसकीपिंग सर्विसेज। सेकंड थी हमारी अकोमोडेशन सर्विसेज, ठीक है, और थर्ड थी हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ये तीन कैटेगरी की सर्विसेज हमारी सेक्शन 9(5) के थ्रू आरसीएम में कवर थी, जिसमें ना तो सप्लायर टैक्स देता था ना रिसिपेंट टैक्स देता था। टैक्स कौन देता था? डीम्ड सप्लायर। जैसे मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दूंगी, आप अगर ओयो रूम्स के थ्रू, मान लीजिए हमारे एक कस्टमर है राम, वो ओयो रूम्स के थ्रू एक होटल में रूम बुक कराता है। ठीक है, यहाँ पे होटल कौन है? सप्लायर। राम कौन है? रिसीपेंट, यानी कस्टमर जो सर्विसेज रिसीव करेगा। और ओयो रूम्स कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। कौन है ओयो रूम? ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो बीच में मीडिएटर है, जिसके थ्रू रूम बुक हुआ है। काम तो इन दोनों के बीच में हो रहा है, सर्विसेज तो इसने इसको दी है, बट सेक्शन 9(5) इस कैटेगरी की सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में ओयो रूम्स को कहता है कि तुम होंगे डीम्ड सप्लायर और तुम दोगे इस सर्विस पे टैक्स। ना तो हमें इससे कोई मतलब है, ना हमें इससे कोई मतलब है, हमने सेक्शन 9(5) तुम पे लगा दिया है, और सेक्शन 9(5) आने की वजह से अब तुम इस केस में हमें टैक्स दोगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने सेक्शन 9(5) के कंसेप्ट को समझ लिया है। हाउसकीपिंग के लिए हमारे एग्जाम्पल थे, हाउसकीपिंग का एग्जाम्पल है ई कॉमर्स ऑपरेटर का अर्बन क्लैब। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है अकोमोडेशन का ओयो रूम्स, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बता ही दिया, और ट्रांसपोर्ट का है हमारा ओला एंड ऊबर। ये तो हमारी सर्विसेज ऑलरेडी सेक्शन 9(5) में थी। चलिए अब समझते हैं चेंज क्या हुआ। ये हमारी नोटिफिकेशन नंबर 17/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की, इसमें मैंने कंपाइल कर दिए हैं जो हमारी नई नोटिफिकेशन आई है नंबर 17/2021 विच ब्रिंग्स द चेंजेस। तो सबसे पहला चेंज, आप पहले तो नोटिफिकेशन को समझिए, नोटिफिकेशन में कितनी कैटेगरी की सर्विसेज ऑलरेडी बता रखी थी। नंबर 1, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय अ रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब एंड मोटरसाइकिल, पहले यहीं तक था, यानी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इस कैटेगरी के अंदर फॉल करती थी। अब ऐड कर दिया गया है इस नोटिफिकेशन के थ्रू ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल। ठीक है, साथ ही इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन थी ना, नंबर बी एक्सप्लेनेशन, तो लिंक करते चलिए चीजों को, इजीली समझ आएगी। वहां पे मैक्सी कैब, मोटर कैब एंड मोटरसाइकिल लिखा था, वहां पे एंड ओमनी बस भी एड कर दिया गया है। शेल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू दैम रिस्पेक्टिवली इन क्लोज 22, 25, 26 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। तो पहला तो ये छोटा सा चेंज है कि मोटरसाइकिल के बाद ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल भी ऐड कर दिया गया है, यानी अब किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ये भी ध्यान रखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। सेक्शन 9(5) में आने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन आएगा? सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर।
चाहे वो किसी भी मोड से हो, बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, और अब आ गया है ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल। सेकेंड में कोई चेंज नहीं किया है, सेकेंड सर्विस हमारी वही है जो अकोमोडेशन की सर्विस है, चाहे वो होटल में है, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंपिजिट और अदर कमर्शियल प्लेस मीट फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। ठीक है, देन हमारा जो नंबर 3 जो हमारी सर्विस एड की गई थी एज अमेंडेड बाय नोटिफिकेशन नंबर 23/2017 वो थी सर्विस बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग। इसमें भी कोई भी चेंज नहीं है, जस्ट सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटिंग एक्सेट्रा, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22(1) ऑफ द CGST एक्ट। ठीक है, देन अब जो नई एंट्री इंसर्ट हुई है थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 है ये 2021, इसके थ्रू अब नई एंट्री ऐड की गई है नंबर 4, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन द सर्विस सप्लाई बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट एक्सेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। इसका एग्जांपल है जोमैटो एंड स्विगी, बहुत से पर्सन यूज करते हैं इनको। तो ये जो नोटिफिकेशन अब इफेक्टिव कब से हो गया, ये वाला चेंज इफेक्टिव कब से होगा, 1 January 2022 से, इसका आपको ध्यान रखना है। ये लिखा है नोटिफिकेशन नंबर 17/2022 में, आप नीचे आएंगे ना, यहाँ लिखा है दिस नोटिफिकेशन शल केम इन टू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 January 2022। ठीक है, तो ये जो हमारी फोर्थ कैटेगरी ऑफ सर्विस एड हो रही है सेक्शन 95 में, कब से एड होगी, कब से एप्लीकेबल होगी, 1 January 2022 से, और मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दे दिया। और इसके लिए एक्सप्लेनेशन में, पहले एक्सप्लेनेशन में ए और बी दो क्लोज ऐड थे, अब सी भी ऐड कर दिया है, स्पेसिफाइड प्रीमाइस का मीनिंग बताया है यहाँ पे जो स्पेसिफाइड प्रीमाइस वर्ड लिखा है ना एक्सेप्शन के लिए, अदर देन सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट एक्सेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, तो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में के लिए यहाँ लिखा है मींस प्रीमाइसेस प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन सर्विस हैविंग डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ एनी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन अबव 7,500 रुपीज पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस को भी डिफाइन कर दिया गया है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम लेते हैं इसका ब्रीफ। यहाँ मैंने बना दिया है ब्रीफ नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 ने जो चेंज लाया है नोटिफिकेशन नंबर 17/2017 में, उसके हिसाब से अब सेक्शन 95 में डीम्ड सप्लायर को जो आरसीएम में टैक्स देना है वो होगा इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज। इस पे बड़ा फोकस रखिए, सर्विसेज ही इसमें कवर है, आपको अमेजन फ्लिपकार्ट को इसके साथ मिक्स नहीं करना, गुड्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, गुड्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही, तो फोकस रखिए गुड्स की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ सर्विसेज की बात हो रही है, वो भी स्पेसिफाइड सर्विसेज की। तो स्पेसिफाइड कौन सी है, ये 4। ठीक है, अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है तो इस केस में सेक्शन 95 में टैक्स कौन पे करेगा, ना तो सप्लायर ना रिसीपेंट, बल्कि कौन करेगा, डीम्ड सप्लायर। कौन सी स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं, ब्रीफ में मैंने यहां लिख दी है। आप पहले हम हैट से इसे याद करते थे, अब आर और इंक्लूड हो गया इसमें। पहला है हाउसकीपिंग सर्विसेज, एग्जांपल है अर्बन क्लैब। नेक्स्ट है अकोमोडेशन सर्विसेज, एग्जाम्पल है ओयो रूम्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रोड, एग्जाम्पल है ओला उबर। एंड नाउ वन मोर, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज, जोमैटो एंड स्विगी आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने इसे अच्छे से समझ लिया है, कोई डाउट अभी भी आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, मैंने नोटिफिकेशन नंबर 17/2017 को चेंजेस के साथ कंपाइल कर दिया है, अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए, कंपाइल नोटिफिकेशन विद चेंजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है CA गुरुजी और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां पे हम इंस्टेंट अपडेट्स वैसे भी शेयर करते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, टेलीग्राम पे आप हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब हम डिस्कशन करते हैं हमारे कोर्सेज की। पहला हमारा कोर्स है इनकम टैक्स का कोर्स, जो आप सभी की रिक्वेस्ट पे ही हमने लॉन्च किया था और इस पे इतना ह्यूज रिस्पांस था, बहुत से पर्सन इसका बेनिफिट ले चुके हैं। नए पोर्टल पे आटर 1, 2, 3, 4 सिखाया गया है फाइल करना, 30+ hours का ये कोर्स है, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम फॉर्म 10IE, फॉर्म 10B और जो एरियर वगैरह होता है सैलरी का, बहुत से कंसेप्ट इसमें क्लियर किए गए हैं। जीएसटी का अपडेटेड डिटेल कोर्स अवेलेबल है, जीएसटी और इनकम टैक्स का कॉम्बो अवेलेबल है। 9 9C आपको भरनी है फाइनेंशियल 2021
2021 की 31 दिसंबर लास्ट डेट है, उसको विदाउट एनी एरर फायर करने के लिए हमारा ये कोर्स लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, सिर्फ 3 आवर्स का सेशन है। और अगर आप बहुत सी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो ये हमारा ऑटोमेशन का कोर्स लीजिए, दिस इज वेरी पॉपुलर कोर्स, बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले चुके हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।